guys, this video is about board examples on height and distance. So before to start this video, आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ में ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारा एंड्रॉइड ऐप. ये वाले एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देख पाओगे बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुके हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ में. तो एग्जाम्पल कुछ ये रहा, टू पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर, ओके, एंड इन द स्ट्रेट सेम स्ट्रेट लाइन विद बेस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की है ना, और ये हमारा 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली है ना. सेम अगर हम लोग टॉप से देखेंगे टावर के, तो इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर तो हमें यहाँ पे बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ओके. तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है जो कि ग्राउंड लेवल पे है ना, और सेम लेवल पे, मतलब यहाँ पे ग्राउंड का लेवल सेम है. तो यहाँ पे अगर मैं टावर के ऊपर से देखूंगा तो एक दिखेगा 60 मीटर 60 डिग्री और दूसरा दिखेगा हमको 45 डिग्री एंगल्स के ऊपर. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, बाद में तो ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला है. तो चलो इसका डायग्राम दिखेगा कुछ. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है, हम लोग टॉप से बॉटम में देखने वाले. तो ये पॉइंट सी के ऊपर, जो लेट्स से पॉइंट सी के ऊपर एक है और पॉइंट बी के ऊपर दूसरा है, ऑलराइट. तो जो सी के ऊपर जो एंगल बन रहा है गाइस, ये 45 डिग्री है, ओके. अगर ये 45 डिग्री रहेगा तो उसका अल्टरनेट पेयर यहां पे बनेगा. तो मैं यहां पे इसको कर देता हूं 45 डिग्री. तो ये बनेगा हमारा 45 डिग्री बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बन रहा है. तो अगर ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये बनेगा हमारा 60 डिग्री है ना, और द हाइट ऑफ द टावर है हमारा 15 मीटर्स. तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ये दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं और हमारा रिजल्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं. सो यहाँ पे इस डिस्टेंस AC को हम लोग मानने वाले यहाँ पे x डिस्टेंस और इस AB को हम लोग मानते हैं हमारा y, ओके. तो टोटल डिस्टेंस BC बनेगा x प्लस y. मैंने यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े रिलोकेट कर दिए हैं एज पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से. तो मैं यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला हूँ. तो क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली टैन, बिकॉज अपोजिट बाई हमारा एडजेसेंट है. तो यहाँ पे टैन 45. सो गाइस टैन 45 कितना होना चाहिए, तो हमें पता है कि टैन 45 होता है हमारा 1. सो टैन 45 डिग्री इक्वल्स बनेगा हमारा 15 डिवाइड बाय बेस, वो कितना हमारा x प्लस वाई, ओके. सो टैन 45 होता है 1 और उसको x प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ बनेगा ऐसे, दैट इज व्हाट x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ऑलराइट, देन नेक्स्ट, क्यों ना मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं. तो ट्रायंगल यहां पे है DCA, तो यहां पे क्या बनेगा, ओके. तो यहां पे भी हम लोग फिर से टैन लगाना पड़ेगा, ओके. तो ये बनेगा हमारा टैन 60. सो टैन 60 इक्वल्स टू बनेगा हमारा ये हमारा 15 डिवाइड बाय x. हमें पता है कि टैन 60 होता है रूट 3, तो रूट 3 इंटू एक्स, 15 इक्वल्स टू बनेगा हमारा रूट 3 टाइम x. राइट, तो यहां पे हमारा वैल्यू रूट 3 एक्स इक्वल्स टू 15, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ओके. तो हमें यहां पे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी हमको y फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, तो आप लोग यहां पे देख पाओगे कि यहां पे x का वैल्यू मैं, x का वैल्यू मैं 15 अपॉन रूट 3 लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट x इक्वल्स टू 15 अपॉन रूट 3 इसी वाले इक्वेशन के ऊपर से, और मैं ये पुट करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जहां पे x है वहां पे 15 अपॉन रूट 3. तो चलो हमारे यहां पे आंसर आ चुका है, कैसे, x का हम लोग यहां पे 15 अपॉन रूट 3 प्लस y as it is equals to 15. तो y बनेगा गाइस हमारा 15, ये बनेगा 15 minus 15 upon root 3. तो अगर हम लोग 15 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 15 in bracket 1 minus 1 upon root 3. तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 15 root 3 minus 1. ओके, अगर हम लोग root 3 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा. तो यह दैट पर्टिकुलर मीटर्स हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा. तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया है. तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके. तो इस वाले एग्जांपल में बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विच इज 120 मीटर हाई, अ मैन ऑब्जर्व्स टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड, टावर के अपोजिट साइड में है और वो सेम लाइन पे है ना. एंड तो यहाँ पे बोला है विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक है 60 डिग्री बना रहा है, दूसरा बना रहा है 45 डिग्री. हमें बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, उन कार की दूरी एक दूसरे से क्या है. तो ये पूछा है CBSE 2017 में. तो अगर आप लोग इसका डायग्राम बना पाओगे तो आप लोग इसको चुटके में सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका डायग्राम देखिएगा कुछ, यहां पे OC हमारा टावर है जिसका हाइट 120 मीटर्स, ये B एक कार है और AP एक कार है, ये बना रहा है यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है ना. अगर ये 45 है तो इसका अल्टरनेट पेयर बनेगा यहां पे, तो ये बन जाएगा हमारा 45 डिग्री यहां पे. तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये बनेगा हमारा 45
एंड सिमिलरली इसके अपोजिट साइड में इस यहां से अगर मैं इस कार को देखने वाला हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 60, तो ये बनेगा हमारे यहाँ पे 60 डिग्री, ये भी बनेगा हमारा अल्टरनेट पेयर। बट हमें फाइंड करना है ए से लेकर बी की दूरी, तो कैसे करें देखो, मैं यहां से ओ से लेकर बी हम लोग एक्स मानते हैं एंड ए से लेकर ओ हम लोग वाई मानते हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए गाइस, एक्स प्लस वाई। तो मेरे पास राइट नाउ दो ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2, तो चलो इनके आपस में हम लोग लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे हाइट हमारा 120 मीटर है, तो ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर मैं लगाने वाला हूं गाइस यहां पे टैन। व्हाई टैन? बिकॉज अपोजिट और ये एडजेसेंट, तो टैन 45, तो टैन 45 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हमारा अपोजिट है हमारा 120 और यहां पे हमारा एडजेसेंट है हमारा x, तो x हमें पता नहीं, tan 45 होता है 1, तो x इक्वल्स टू बनेगा हमारा यहां पे 120 मीटर्स। x कितना बनेगा हमारे यहां पे 120 मीटर्स, तो x का वैल्यू हम लोगों ने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है, राइट। देन नेक्स्ट, अब यहां पे दूसरी बात, यहां पे दूसरी बात, ये हमारा x आ चुका है। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं tan लगाऊंगा तो व्हिच विल बी व्हाट, tan ऑफ 60, तो tan ऑफ 60 इक्वल्स टू अपोजिट हमारा 120 और यहाँ पे हमारा एडजेसेंट y, तो tan 60 होता है गाइस हमारा रूट 3, तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा रूट 3 इक्वल्स टू 120 बाय y, ओके। सो y कितना होना चाहिए, y बनेगा हमारा 120 बाय रूट 3। अब रूट 3 और 120 के बीच हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओके, तो ये बनेगा 40 इंटू 3 बनेगा हमारा यहाँ पे 120, दैट इज व्हाट, 40 इंटू 3 बाय रूट 3, ओके। तो यहाँ पे 3 को हम लोग रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा हमारा 40 टाइम्स रूट 3, तो y बनेगा हमारा 40 टाइम्स रूट 3। तो हमें यहाँ पे इनकी बीच की दूरी फाइंड करना है, सो डिस्टेंस ए बी नथिंग बट व्हाट, x प्लस y, और विच इज नथिंग बट व्हाट, x हमारा 120 मीटर्स है और ये हमारा 40 टाइम्स रूट 3 है, ओके। तो रूट 3 का वैल्यू हम लोग रिप्लेस करके हमारा फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा इनके बीच की दूरी, ओके। तो चलो देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, तो एग्जांपल कुछ ये रहा, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर व्हिच इज 120 मीटर हाई, उसका क्लिफ बोला है, ओके, अवे फ्रॉम द क्लिफ, ओके। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट चेंजेस, पहली बार हम लोगों ने उसको देखा तो वो 60 डिग्री पे थी, अब जो वो उसके बाद वो बन रहे हमारे 45 डिग्री, राइट। तो ये हुआ है हमारा 2 मिनट्स में, हमको बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट और ये पूछा हमको मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे करें, ये पूछा है सीबीएसई 2018 में। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाओ, ओके, तो इसका डायग्राम दिखेगा कुछ ऐसे। सो इनिशियली आप लोग देख पाओगे बोट हमारा पॉइंट बी पे था और बी से चला गया ए के ऊपर, तो सॉरी बी से चला गया सी के ऊपर और टाइम लिया 2 मिनट, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। बट गाइस हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स होता है हमारा स्पीड एंड टाइम, तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे सी बी, यू नो दिस सी बी इज इक्वल्स टू, ये सी बी हमारा बनेगा इक्वल्स टू हमारा डिस्टेंस, जबकि सी बी हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड एंड टाइम, स्पीड हमारा पता नहीं उसको हम लोग एक्स मानने वाले और टाइम हमारा टी होगा, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम लोग टाइम लेने वाले सेकेंड्स में, तो हमारे पास ऑलरेडी टी 2 मिनट्स है, तो सेकेंड्स मतलब बनेगा 120 सेकेंड्स, तो ये बनना चाहिए हमारा 120 टाइम एक्स, ये डिस्टेंस हमारा सी बी है। अब आगे मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल, ये बनेगा 90 डिग्री, ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये बड़ा वाला ट्रायंगल नंबर 2, तो ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर आप लोग देख पाओगे कि बीओ, बीच बीओ को हम लोग थोड़ी देर के लिए वाई मानते हैं, तो वाई है ना, और यहाँ पे 150 हमें पता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे टैन 60 लगा दूँ। सो गाइज यहाँ पे टैन ऑफ 60 इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा 150 बाय वाई, सो वाई क्या होना चाहिए, टैन 60 होता है रूट 3, ओके, तो वाई इक्वल्स बनेगा 150 अपॉन रूट 3, और हमें पता है कि 150 होता है हमारा 50 टाइम्स 3, ओके, 50 इंटू 3 अपॉन रूट 3, तो वाई बनेगा हमारा यहाँ पे रूट 3 टाइम्स ऑफ 50, ओके, ये हमारा वाई का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट सी बी, तो हम लोग अब बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ए ओ सी के अंदर जाएंगे। अब ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर आप लोग देख पाओगे, अगर मैं यहाँ पे टैन 45 लिख देता हूं तो हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, सो टैन 45 इक्वल्स टू हमारा ए ओ है हमारा 150 और सी ओ है हमारा ये 2 मिनट्स, मतलब ये डिस्टेंस टाइम, ये कितना हमारा सी बी 120x और प्लस वाई, 120x प्लस वाई हमारा कितना है गाइस, हमारा 50 टाइम्स रूट 3 है। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, अब आगे सॉल्व करना है, तो टैन 45 होता है हमारा 1, तो इसका वैल्यू 1, मतलब ये जाएगा इधर में, तो ये बनेगा हमारा 120 प्लस 50 टाइम्स रूट 3 इक्वल्स टू 150, ओके, तो ये 120 इंटू एक्स है, ये 120 इंटू एक्स,
तो ये कितना होना चाहिए, तो 120 टाइम x इक्वल्स टू 150 माइनस 50 रूट 3 अपॉन 1, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ x का वैल्यू चाहिए तो 120 उधर भेज दो, तो ये 120 जाएगा यहाँ पे डिवीजन में। तो चलो यहाँ से 120 हटा देते हैं और वो जाएगा हमारे यहाँ पे डिवीजन में, तो ये जाएगा यहाँ पे 120 डिवीजन में। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं रूट 3 का वैल्यू यहाँ पे 1.73 समथिंग पुट कर दूँ तो हमारा x कितना आएगा, तो हमारा x कुछ आए। चलाओ देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और ये तीन बार पूछा है और ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो गाइज यहाँ पे एक बिल्डिंग और टावर के यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे टावर के फुट से बिल्डिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो बनेगा 30 डिग्री, और यहाँ पे बिल्डिंग से हम लोग यहाँ पे टावर को यहाँ पे देखने वाले हैं तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री, और टावर का हाइट यहाँ पे 50 मीटर्स बोला हुआ है, तो हमें बोला है कि बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका डायग्राम बनाओ, तो इसका डायग्राम देखिएगा कुछ एज। सो यहाँ पे हम लोग का ये टावर 50 मीटर्स और ये हमारा बिल्डिंग, इसका हाइट सी डी यानी एच होगा। तो यहाँ पे ये बनेगा 30 डिग्री और ये बनेगा 60 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है सी डी। तो कैसे करें, तो बेसिकली ये फाइंड करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट ए डी यानी इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए डी सी के अंदर ए डी पता होना जरूरी है। तो कैसे करेंगे, तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर ए बी डी के अंदर हम लोग ए डी फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि यहाँ पे हमको 60 डिग्री गिवन है और ये 50 मीटर्स है। तो चलाओ लिख देते हैं फिर यहाँ पे, तो कैसे करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे लगाऊंगा tan 60, सो tan ऑफ 60 इक्वल्स टू, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, तो ये बनेगा 50 बाय AD, सो AD चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AD इक्वल्स टू बनेगा हमारा 50 अपॉन tan 60, सो tan 60 कितना होता है गाइस, tan 60 होता है हमारा रूट 3, ओके ये होता है हमारा रूट 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड AD का वैल्यू इन मीटर्स है 50 अपॉन रूट 3, ओके। अब नेक्स्ट, अब मुझे जाना है ट्रायंगल ACD के अंदर, क्यों ना मैं यहाँ पे भी tan लगाऊं, सो tan ऑफ 30, tan ऑफ 30 इक्वल्स टू बनेगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच और AD नीचे में आएगा हमारा AD। तो क्या हमें AD पता है, बिल्कुल पता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ कितना है, वो 50 बाय रूट 3, तो चलो आप लिख देते 50 यहाँ पे और रूट 3 आएगा ऊपर में, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 50 अपॉन रूट 3 और ये h एज इट इज इक्वल्स टू tan 30 होता है हमारा 1 अपॉन रूट 3, tan 30 होता है हमारा 1 अपॉन रूट 3। चलो ये रूट 3 और ये रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई करके बनेगा 3 और 50 आएगा ऊपर में, तो h इक्वल्स टू कितना बनेगा 50 बाय 3, ये बनेगा h इक्वल्स टू 50 बाय 3 इन मीटर्स। तो बिल्डिंग का हाइट कितना है 50 बाय 3 मीटर्स, और ये काफ़ी ईजी है और तीन बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आई होप आपको हमारे सभी एग्जाम्पल्स पसंद आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।